खबर पहले जनपद से, जहां गंगा लगातार उफान पर है। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और गंगा का पानी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रहा है। ऐसे में बलिया की सदर और बारिया तहसील के 50 से ज्यादा गांव बाढ़ प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित गांव में लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुसा है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में किसानों की फसलें बाढ़ में डूब गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संपर्क मार्गों पर बाढ़ का पानी आ जाने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बाढ़ग्रस्त गांव के लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। बाढ़ के चलते पशुपालकों के सामने मवेशियों के लिए चारे का संकट खड़ा हो गया है, जबकि प्रशासनिक अफसर बाढ़ एवं राहत कार्य को लेकर कवायद में जुटे हुए। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में NDRF की टीम तैनात है और किसी भी आपदा से निपटने के लिए मुस्तैद नजर आ रही है, जबकि बाढ़ के मद्देनजर प्रशासन, राजस्व और सिंचाई विभाग की टीमें हालत पर नजर और नियंत्रण की कवायदों में जुटी हैं। बल्लभ जनपद से उमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अब कल रात कंट्रोल में बीत जाए, तंत्री के इलाहाबाद वाला आज चल दिया है, कल रात तक आ जाएगा। एक परिचय दीजिए अपना। सर, सब इंस्पेक्टर जीडी मोहम्मद नईम नाम है। मैं NDRF 11th बटालियन सोनारती से हूँ और हमारी जो टीम है रेस्क्यू के लिए बलिया में आ चुकी है और हमारे साथ रेस्क्यू ऑपरेशन से जितने भी रिलेटेड इक्विपमेंट है हम ला चुके हैं। अभी देखिए दूरदर्शन वाले आपसे पूछ रहे थे, जब मैंने कहा कि भाई हमारी टीम आई है लेकिन हम उसे आराम से रखेंगे, इसलिए कि जब उनको जरूरत पड़ेगी तो वो जूझेंगी है, तो वो जब जितना ही सामान्य तौर पर गोताखोरों को अलर्ट रखे हैं कि सामान कोई दिक्कत नहीं है, बाढ़ नियंत्रण में है अभी, जिस रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद बताई गई थी उतना तो भयावह नहीं है, लेकिन अब गांव में पसरने लगा है और लोगों को अलर्ट कर दिया गया था तो नीचे पर ज़्यादातर आ गए। इसमें किस तरह की सहायता दी जा रही है और क्या क्या प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है? सहायता के लिए सबसे पहले तो नीचे पर आने से पहले सब साफ सफाई करा करके बिजली की व्यवस्था कराई गई, जिससे सांप निकलते थे और मिट्टी का तेल, क्योंकि बिजली काट दिया गया है इसलिए उसको उपलब्ध कराना है, क्योंकि ज़िले में सप्लाई होती नहीं इसलिए वो मुगल सराय या लखनऊ से आ रहा है, वो 5-5:30 बजे तक आने की उम्मीद है, रास्ते में है तो वो हम बांटने के लिए लिस्ट बना लिए, उनको हम देंगे। कितने लगभग सर कितने गांव ऐसे हैं जो प्रभावित हैं? कुल 5 ग्राम सभाएँ हैं, राजस्व ग्राम, और उसके 13 मजरे। सर उन लोगों को रहने की कहाँ व्यवस्था की गई है? वो देखिए यहाँ की जो मेंटेलिटी है वो हमारे बाढ़ शिविर में नहीं आती, बल्कि चूँकि हर वर्ष ये बाढ़ आती है इसलिए वो भीके पर अपने अस्थाई झोपड़ी लगाए रहते हैं और उसको आते ही इस पहले ठीक ठाक कर लेते हैं, वो हम लोगों ने इस बीच में देखा है, लेकिन उनको और कोई दिक्कत ना हो इसके लिए हम वो प्लास्टिक की जो कवर आती है वो मंगवाए हैं, वो भी 4-4:30 बजे आ जाएगी और 6-650 संख्या में हम बांटेंगे और कल 1500 और मंगाएंगे। अभी मंत्री जी आए थे हेलीकॉप्टर से, अभी निरीक्षण किए हैं, क्या उस पर पाए हैं? उनके बारे में सूचना नहीं दे पाए सर। अभी भी ग्रामीण जो है वो गाँव में, अगर अचानक पानी बढ़ता है उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? अचानक सूचनाओं के आधार पर ही वो सब बाहर आए, अंदर सिर्फ उतने ही बचे हुए हैं कि पानी यदि बढ़ा तो वो छत पे चले, तो उन लोगों को बाहर लाने के लिए नहीं आते, उनके लिए 16 ठोर यहाँ पर नाव लगाई गई है मझले और बड़े साइज की, उनके आधार पर वो अपनी सामग्रियाँ मंगाते हैं, लेकिन 16 में सबसे ज़्यादा बड़ी बाढ़ आई थी लेकिन वह भी बाहर नहीं आए सर, छत पे ही रहे। और सर जैसे ज़्यादा बाढ़ आती है सर तो इसके लिए जो बचाव कार्य के लिए सर यहाँ कोई दिख नहीं रहा था? नहीं, यहाँ पर आने का कोई औचित्य नहीं, इसलिए कि उनको तो लगातार मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए उनको हम सुरक्षित जगह पर रखते हैं, आराम वाली जगह पर रखते हैं। सर अभी तत्काल जो है पानी तो लेवल ज़्यादा ही है, अचानक से नहीं पड़ता पानी, ऐसा नहीं होता। अभी भी सर लेवल ज़्यादा है, लेवल ज़्यादा है लेकिन नियंत्रण में है, गोताखोर हमारे यहाँ पर हैं जी, गोताखोर यहाँ पे है, 12-14 फुट है। सर खाने की क्या व्यवस्था की गई बार जो यहाँ बंधे पर लोग हैं, इसके बंधे पर हैं सर? वो अभी तक अपने स्थानीय अपने घरेलू खाना सब लेकर के आए हुए हैं जी और शाम को हमको पैकेज करेंगे। सर NH, चूँकि ये NH है और इस पर भारी वाहन भी चलते हैं, सब लोग लिए गए 3 दिन से अनिश्चितकाल के लिए या फिर जब तक बाढ़ रहेगी तब तक वहाँ से बैरिया कितने दिन मोड़ से
महादेवती की तरफ से होते हुए तब जाएंगे। कितने दिन से सर रोके गए हैं? 3 दिन से। तो इस पर भारी वाहन नहीं चलेंगे? बस, क्योंकि आवागमन के लिए कोई दिक्कत लोगों को ना हो, इसलिए बस जो रोडवेज के हैं वो एक दो को छोड़ करके और सारी गाड़ियाँ रोकी। ठीक। और उसका लोगों ने महसूस किया है कि उसका। हमारा नाम कृष्ण कुमार गिरी। कृष्ण कुमार गिरी जी, ये कैसा पानी का जैसे बोरिया बना बना के फेंका जा रहा है? ये सुरक्षा के दृष्टि से किया जा रहा है ताकि पानी बढ़े तो फिर इधर NH पर ऊपर अवरोध न करे। किस तरह की, किस कहाँ का ये कटान है? ये कटान नहीं है, ये पानी जो आ रहा है तो इसके सुरक्षा के दृष्टि से किया जा रहा है ताकि NH डिस्टर्ब न हो, बंधे को बचाया जाए। हाँ, बंधा डिस्टर्ब न हो, ये सुरक्षा की दृष्टि से किया जा रहा है। किस डिपार्टमेंट से किया जा रहा है? ये बारखंड से किया जा रहा है। इससे कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं जो पानी आ रही है इससे? यहाँ तो एक गांव है, बादिलपुर है, बंधुचक है, चौहान चक है, इसी में कुल कई गांव, 2-3 गांव इसके अंदर है। और वहाँ पे भी पानी आ गया है? हाँ, इस गांव के अंदर पानी आ गया है। ये पानी इधर न निकले इस उसी के सर, जिस तरह से गंगा में उफान हो रहा है, तेज़ी से पानी बढ़ रही है, तो आप लोग किस तरह से इसकी व्यवस्था किए हैं और क्या क्या यहाँ पे इंतजाम? हम लोगों की पूरी तरह से व्यवस्था है, हम लोग दिन रात उसकी निगरानी कर रहे हैं, हमारे स्टाफ और हम लोग पूरी दिन रात निगरानी कर रहे हैं, मेरे अधिकारी भी कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ मतलब पानी ऊपर आने की संभावना है वहाँ पर हम लोग पहले से ही और इसी बैकाल को उसके प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कहीं पे दिक्कत आने बताइए सर, कहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा लग रहा है आप लोगों को नज़र आ रहा है? डेंजर जोन क्या नाम कहीं नहीं है, सबको एक तरह से हमने प्रोटेक्ट कर ही लिया है। कितना पानी बढ़ने का आता है? देखिए अभी तो ऊपर से पानी बढ़ ही रहा है, जहाँ तो हो सकता है 60-70 सेंटीमीटर। आज की स्थिति क्या, क्या हाईवे को बंद करना पड़ेगा? अब हाईवे जहाँ जहाँ मतलब इस तरीके से कि पानी ऊपर जा सकता है वहाँ वहाँ हम लोग का नाम काम करा के, जैसे बड़ी गाड़ियाँ चाहे जो भी है नहीं, नहीं, नहीं।